हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन स्पेशल। आज मैं आपको घर में कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे आपके घर में सब्जी और फलों के छिलके निकलते हैं तो उससे आप कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने कुछ फल और सब्जी के इसमें छिलके हैं, इसको स्टोर करके रखा हुआ। मैंने गार्डन में जो लीव्स वगैरह निकली हैं उनको स्टोर करके रखा है। और ये चाय पत्ती है, ये इसको भी ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें प्लेट में इकट्ठा करेंगे और मिट्टी में मिक्स करेंगे। इन पीसेस को थोड़ा छोटा छोटा कर देना है। सब्जी और फलों के टुकड़ों को छोटा छोटा कर लिया है, चाय पत्ती ले लिया है, थोड़ा सा लीव्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, और ये कुछ कागज के टुकड़े हैं। मैं एक गमले में कंपोस्ट तैयार करने वाली हूँ, तो गमले के नीचे पहले से इसमें छेद करके रखा है। डब्बे के नीचे होल जरूर कर लेना, चाहे जिस डब्बे में आप तैयार करो। मैं गमले में यहाँ तैयार कर रही हूँ, तो गमले में मैंने छेद करके रखे हैं। इसमें पहले से ही इसमें मैंने मिट्टी डाल के रखा है। अब एक एक परत सबकी डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें सब्जी और फलों के टुकड़े एक लेयर डाल देती हूँ, देन मिट्टी, लीव्स डाल रहे हैं, फिर मिट्टी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा चाय पत्ती ऐड कर दिया, मिट्टी डाला, सब्जी के छिलके डाला, फिर मिट्टी डाला। तो यही इसी तरह से आप एक एक परत डालते डालते इसमें मिट्टी ऐड करते रहेंगे। इसमें आप अंडे के छिलके भी ले सकते हो। अंडे के छिलके धुले हुए होने चाहिए, धूप में सुखा लीजिए, फिर उसको आप अच्छे से फोड़ करके भी इसमें डाल सकते हो। वो भी एक अच्छा कंपोस्ट बन के तैयार होता है। जो फ्रूट्स सड़ चुके हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में कट करके। बारिश में भीग गई मिट्टी, तो अगर आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर दीजिएगा लास्ट में। अब इसको 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 दिन के बाद इसको ओपन करेंगे और इसको थोड़ा सा आपस में मिक्सअप कर देंगे, इसको चला देंगे। जितनी ज़्यादा इसमें हार्ड चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसका कंपोस्ट बनने में। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट लीव्स वगैरह होंगी तो उतना ही इजीली काम का कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो लेकिन इसमें जैसे कुछ हार्ड चीज़ें हैं और कुछ सॉफ्ट चीज़ें हैं, तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लगभग 2 महीने इसमें इसको तैयार होने में लग जाएंगे। तो तरह से आप अपने घर में कंपोस्ट तैयार करें और अपनी गार्डनिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।